जय भारत मित्रों, हम आ चुके हैं अपने पार्ट सेकंड में। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं विद्युत का पार्ट सेकंड, यानी कि पार्ट वन में हमने पढ़ा विद्युत क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत बल क्या होता है, और विद्युत किस में चलता है किस में नहीं चलता है, तथा विद्युत चल वगैरह क्या होते हैं, विद्युत के ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है, उनका नियम क्या है इत्यादि। तो अब हम बात करते हैं विद्युत चैप्टर में उस पार्ट वन के अगले टॉपिक की, जो हमारा पार्ट वन से आगे आता है। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विद्युत प्रतिरोध, विद्युत चल का उपयोग, प्रतिरोधों का संयोजन इत्यादि। तो वीडियो के शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर उसको पार्ट वन को देखिए, फिर आइए आप पार्ट सेकंड देखिए। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो की जो लेटेस्ट अपडेट रहे वो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है प्रतिरोध। हमने पार्ट सेकंड में बात किया था ओम के नियम के बारे में। ओम का नियम हमारा क्या निकल कर आया था, बी इज इक्वल टू आर डॉट आई। तो हमारा हमने वहीं पर कहा था कि आर आखिर क्या है, यानी कि आर क्या है, आर को मैंने बताया था प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध होता क्या है ये हम यहाँ बात करेंगे। प्रतिरोध जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसकी इंग्लिश होती है रेजिस्टेंस, तो जैसा कि प्रतिरोध के नाम से ही स्पष्ट है, किसी चीज का मार्ग रोकने वाला, रोधन, रोध मतलब रोधन करने वाला, मीन्स रोकने वाला। प्रतिरोध के नाम से ही स्पष्ट है कि रोकने वाला, इसका मतलब जो धारा का मार्ग रोकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब धारा प्रवाहित हो रही थी तो हमारा जो कण आ जाते थे वो कण धारा का मार्ग नहीं रोकते थे, कण से तो टकराते थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, लेकिन कुछ उसमें ऐसे कण होते थे, ऐसी चीज होती थी, ऐसी ताकत होती थी जो हमारी धारा को प्रवाहित होने से रोकता था। तो जो वह बल है वही हमारा प्रतिरोध है। प्रतिरोध का कार्य क्या है, धारा के प्रवाह को रोकना, मतलब पूर्ण रूप से तो नहीं रोक पाएगा लेकिन अवरोध उत्पन्न करना, रोधन उत्पन्न करना उसमें, वही हमारा प्रतिरोध होता था। अब जैसा कि हम जानते हैं प्रतिरोध क्या है, तो अगर हम इसको R को ही रोक लें तो I हमारा मल्टीप्लाई, वो I हमारा इधर मल्टीप्लाई रहा, इधर आ जाएगा तो V अपान I हो जाएगा, यानी कि विभवांतर और धारा के अनुपात को, विभवांतर और धारा के अनुपात को हम प्रतिरोध कहते थे। तो अब हम बात कर लेते हैं, यदि किसी विद्युत चालक में, या इसको हम 1 एम्पियर मान लें, 1 एम्पियर, यदि किसी विद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही हो तो उसमें उसके सिरों पर लगे विभवांतर को ही हम विद्युत प्रतिरोध कहेंगे। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही हो तो उसमें लगे विभवांतर को ही हम विद्युत प्रतिरोध कहेंगे। इस प्रकार से R इक्वल टू बी अपान वन हो जाएगा, तो वन का कोई वैल्यू नहीं देगा तो विभवांतर ही प्रतिरोध हो जाएगा। तो ये कब होगा, जब किसी परिपथ में एकांक धारा यानी कि 1 एम्पियर की धारा बह रही हो। अब हम जब किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही हो तो उसके सिरों पर लगने वाला विभवांतर ही विद्युत प्रतिरोध का कार्य करेगा, वही विद्युत प्रतिरोध होगा। अब हम बात कर लेते हैं विद्युत प्रतिरोध की निर्भरता तथा विशिष्ट प्रतिरोध पर, कि विशिष्ट प्रतिरोध आखिर क्या होता है। तो हमारे विद्युत प्रतिरोध की जो निर्भरता होती है वो उस चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि हमारा विद्युत प्रतिरोध होता है वो जिस चालक में उत्पन्न हुआ है उस चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। ये बात आप लोग समझ गए, पहला निर्भरता इसकी ये हुई, और जो इसकी दूसरी निर्भरता हुई, जिस चालक में प्रतिरोध उत्पन्न हुआ है उस चालक के क्षेत्रफल के प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि R व्युत्क्रमानुपाती 1/A, क्षेत्रफल को A से तथा लंबाई को L से डिनोट करते हैं। तो R जो होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/A, तो हमारा जो प्रतिरोध की निर्भरता होगी वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, R अनुक्रमानुपाती L बाई ए। तो जैसा कि हम जानते हैं जब प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है तो हमारा जो कोई नियतांक आ जाता है तो यहाँ पर R इज इक्वल टू हो जाएगा रो एल बाई ए। ये जो रो हमारा है यहाँ पर, यह रो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है, यहाँ पर जो रो हमारा निकल कर आया यह विशिष्ट प्रतिरोध है। अब हम बात कर लेते हैं प्रतिरोध के मात्रक के बारे में, कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं इसका जूल
सॉरी अब हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वह ओम होता है। क्या होता है? ओम। और ओम क्या है? ओम ग्रीक भाषा का एक शब्द है, सॉरी इस प्रकार से नहीं, कहीं इस प्रकार से ओम बनता है, ओम इस प्रकार से बनता है ये ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है साथियों। तो अब हम बात करते हैं इस पार्ट के अगले टॉपिक। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह विद्युत चल तथा विद्युत वाहक बल। तो हम सबसे पहले बात करते हैं विद्युत चल क्या है। हमने पिछले चैप्टर में जब हम विद्युत धारा पढ़ा रहे थे पिछले पार्ट में, तो हमने कहा था कि जब दो आवेशित प्लेटों को आपस में समीप लाया जाएगा तो उनमें आवेशों का आदान प्रदान होने लगता है, और यह तब तक होता है जब तक दोनों के आवेश आपस में बराबर न हो जाएं। आवेश बराबर होने के बाद यह जो प्रोसेस होगा यह रुक जाएगा। तो इसके लिए अगर इस प्रोसेस को हमें तो हमें विद्युत धारा का प्रवाह भी रुक जाएगा यहाँ पर। तो विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस आवेश को निरंतर जारी रखना पड़ेगा। इसका मतलब इन दोनों आवेशित तलों को, आवेशित प्लेटों को हमें कहीं बाहर से ऊर्जा देनी होगी। तो जब हम इस प्लेटों को, इन तलों को बाहर से ऊर्जा देंगे तो हमारे आवेश के जो प्रवाह होंगे वह निरंतर बने रहेंगे। तो यह आवेश को मतलब विद्युत वाहक बल, इसका मतलब धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए जिस स्रोत से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिस स्रोत से हम ऊर्जा देते हैं, उसे हम विद्युत सेल कहते हैं। तो हमने विद्युत सेल को पिछली भाषा में मतलब पिछले पार्ट में भी डिफाइन किया है, यहाँ भी डिफाइन कर रहा हूँ कि विद्युत सेल जो होता है आवेश के यानी कि धारा के प्रवाह को जारी रखने के लिए हमें बाहर से जो ऊर्जा देनी पड़ती है वह ऊर्जा हम विद्युत सेल द्वारा देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वाहक मतलब वाहन करने वाला, वाहक मतलब वहन करने वाला बल, इसका मतलब विद्युत का वहन करने वाला बल जो बल होता है वही हमारा विद्युत वाहक बल होता है। इसका मतलब विद्युत वाहक बल जो होगा वह जो आवेश द्वारा किए गए कार्य और आवेश के अनुपात के बराबर होगा। इसका मतलब हमारा ई जो हो जाएगा, विद्युत वाहक बल को हम ई से डिनोट करते हैं, तो हमारा ई जो हो जाएगा वह हो जाएगा डब्ल्यू बाई क्यू, जो आवेश को वहन करने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं, इसे हम ई से जोड़ करते हैं। तो आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आई होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में, सॉरी हम बात करेंगे विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होगा, आवेश कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। विद्युत वाहक बल का मात्रक जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। तो हमारा जो इस चैप्टर का अगला टॉपिक है वह है विद्युत परिपथ। मींस विद्युत का परिपथ क्या होता है, विद्युत का रास्ता क्या होता है, विद्युत किस प्रकार से अपने रास्ते को तय करता है। तो विद्युत का परिपथ बनाने के लिए हमें निम्न चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, विद्युत वाहक बल का स्रोत, मतलब जहाँ से हमारा विद्युत कंटिन्यू चलता रहे, जहाँ से हमारा विद्युत आए वो हमारा सॉरी विद्युत सेल हो जाता है। उसके बाद में विद्युत धारा का नियंत्रक, जिससे हम विद्युत धारा पर नियंत्रण पा सके, अधिक अगर आ रहा हो तो उसे हम कम करके, अगर हमें कम की जरूरत है तो कम कर दें, कम आ रहा हो तो ज्यादा की जरूरत ज्यादा कर दें। इसका मतलब नियंत्रण जिसको कहते हैं, तो वो हमारा हो जाएगी स्विच। जैसे हम बल्ब को अगर जलाने की आवश्यकता है तो स्विच को ऑन कर देते हैं, अगर बल्ब को बुझाने की आवश्यकता है तो स्विच को ऑफ कर देते हैं। तो अगला जो हमारा है विद्युत मापक यंत्र, यानी कि हम धारा को किससे नापते थे, एमीटर से नापते थे, और हम विद्युत विभवांतर को किस में नापते हैं, वोल्ट मीटर में नापते हैं। तो इन सभी माप, ये सभी विद्युत विभवांतर को मापक यंत्र वोल्ट मीटर हो जाता है। तो ये सभी विद्युत मापक यंत्र है। अगला जो है उपयोग करने का उपकरण, यानी कि जो धारा आएगी उसको हम उपयोग किस प्रकार से करेंगे, या हम बल्ब लगा दें या हीटर लगा दें या तार कुछ भी लगा दें, बल्ब हीटर कुछ भी लगा दें, पंखा लगा दें, तो हमारा विद्युत धारा का उपयोग होता रहेगा। और इन सभी को जोड़ने के लिए संयोजक तार की आवश्यकता होती है, जो इन सभी को आपस में जोड़ दे। तो हमारा जो ये प्रोसेस जो ये पूरा आपस में बनकर जो तैयार होगा वो हमारा कहलाएगा विद्युत परिपथ कहलाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें किस चीज को हम किस चिन्ह से डिनोट करेंगे। यहाँ पर स्विच है, विद्युत चल है, एमीटर वोल्ट मीटर है, बल्ब को इस मतलब किस चिन्ह से डिनोट करेंगे हम अपने परिपथ में, तो हम बात तो अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि विद्युत परिपथ में किस चीज को किस चिन्ह से डिनोट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर विद्युत चल को डिनोट करने वाले हैं वो इस प्रकार से, इधर बड़ा वाला जो होगा प्लस चार्ज होगा उस पर, छोटा वाला जो होगा उस पर माइनस चार्ज होगा। और विद्युत सेलों के संयोजन यानी कि सेलों का जोड़ अथवा बैटरी को हम किस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे वो कुछ इस प्रकार से, छोटा फिर ज्वाइंट, तीन सेलों का संयोजन यहाँ पर किया गया है। फिर जो अगला कुंजी को हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे, ब्रेकर छोटा वाला फिर इस प्रकार से।
यदि हमारी एक कुंजी दो प्रकार की होती है, स्विच जो होती है दो प्रकार की, एक चालू एक बंद, तो यहाँ पर बंद स्विच है ये। चालू स्विच का मतलब हो गया जिस पर बुंदी रखी रहेगी बीच में वो हमारी चालू स्विच होगी। फिर हम तार की संधि को किस प्रकार से ज्वाइंट करेंगे, उल्टा टी, यानी कि उल्टा टी के शेप में तार की संधि को हम ज्वाइंट करेंगे। बल्ब को हमारा इस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे, इस चिन्ह से हमें बल्ब प्रदर्शित करेंगे। प्रतिरोध को हम इस प्रकार से नोट करेंगे, और जो धारा नियंत्रक होगा वो प्रतिरोध में इस प्रकार से एक नियंत्रक लगा देंगे उसे इस प्रकार से। और हम जानते हैं कि एमीटर, हमारा जो एमीटर था धारा मापी, उसे हम इस प्रकार से ए से डिनोट करते थे इस प्रकार से, और जो हमारा वोल्ट मीटर होता था यहाँ पर इस प्रकार से डिनोट करेंगे प्लस माइनस, और वोल्ट मीटर को बी से इस प्रकार से प्लस माइनस। इस प्रकार से हम सभी चिन्हों को डिनोट करेंगे, किस चीज को किससे डिनोट करेंगे। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने प्रतिरोधों के संयोजन। जो इस चैप्टर का अगला टॉपिक है वह है प्रतिरोधों का संयोजन। जैसा कि ओम के नियम से स्पष्ट है, ओम का नियम हमारा क्या है, बी इज इक्वल टू आर आई। तो हम अगर आई का मान वहां से निकालें तो आई इज इक्वल टू बी बाई आर। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं तो धारा का मान कम हो जाता है। इसका मतलब अगर हम धारा का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। प्रतिरोध और धारा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन हम दो प्रकार से करते हैं। पहला श्रेणी क्रम में, और दूसरा जो है पैरेलल रूल में, यानी कि समांतर क्रम में। तो अब हम बात कर लेते हैं पहले श्रेणी क्रम की। यदि हमारा प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से संयोजित है, इस प्रकार से, तो अब हमारा यहाँ पर चूंकि बी लगेगा ही लगेगा, धारा प्रवाहित होगी ही होगी, तो ये हमारा हो जाएगा R1, ये हमारा R2, ये हमारा हो जाएगा R3। हम ओम का नियम जानते हैं। ओम का नियम हमारा क्या कहता है कि प्रतिरोध जो होता है, विभवांतर बी जो होता है, वो प्रतिरोध और धारा के बराबर होता है। तो यहाँ हमारा हम क्या ले लेते हैं, जो हमारा बी वन हो जाएगा इज इक्वल टू वो हो जाएगा आई आर वन, बी टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई आर टू के, और बी थ्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई आर थ्री के। क्योंकि धारा तो हमारी एक ही बहनी है इसमें, लेकिन अलग अलग विभवांतर लगा सकते हैं और प्रतिरोध भी यहाँ पर हमारा अलग अलग है। तो वहाँ चूंकि ओम के नियम से B इज इक्वल टू आई आर वन, B टू इज इक्वल टू आई आर टू, B थ्री इज इक्वल टू आई आर थ्री। अब चूंकि यदि हम इसको पूरे परिपथ को, परिपथ में एक विभवांतर कार्य करें और पूरे परिपथ में एक विभवांतर कार्य करें तथा एक प्रतिरोध इन प्रतिरोधों को एक प्रतिरोध मान लें, तो हमारा क्या ओम का नियम क्या कहता है, तो हमारा हो जाएगा B इज इक्वल टू आर आई, आर आई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा बी होगा, क्योंकि सभी विभवांतरों का योग बी होगा, तो बी हमारा हो जाएगा बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री। इसको हम संयुक्त रूप से क्या कहेंगे, बी। और अब ये हमारा हो जाएगा बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री इक्वल टू बी हो जाएगा। तो इसको हम इन तीनों समीकरणों को हम ऐड कर लेते हैं, क्या हमारा निकल कर आएगा, इसको हम गेज कर रहे हैं, ये हमारा क्या निकल कर आएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 इज इक्वल टू आई का मान ले रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। आई यहाँ पर सब में कॉमन है, तो आई हमने कॉमन कर लिया, तो B1 हमारा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब सभी वो विभवांतरों को जोड़ दिया जाएगा तो प्रतिरोध को एक मान लिया जाए, तो हमारा B इक्वल टू आर आई हो जाएगा। अब इन तीनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो विभवांतर का हमारा योग हो जाएगा बी, यहाँ पर ये हो जाएगा B, और क्योंकि B हमारा जो है वो हमारा R I के बराबर है, तो हो जाएगा कैपिटल R मल्टीप्लाई बाय स्मॉल I इज इक्वल टू I इनटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर I से I कैंसिल हो जाएगा, तो विशिष्ट जो हमारा मेन प्रतिरोध निकल कर आया वो R1 प्लस R2 प्लस R3 निकल कर आया। यानी कि यदि हमारे प्रतिरोध जो हैं वह श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो सभी प्रतिरोधों का योग, हमारा जो मेन प्रतिरोध होगा वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा, जो समतुल्य प्रतिरोध होगा। अब हम बात कर लेते हैं समांतर क्रम के बारे में। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं हमारा क्षेत्र का अगला टॉपिक, प्रतिरोधों के संयोजन में समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। श्रेणी क्रम में क्या होता था कि प्रतिरोध का जो एक सिरा होता था वो प्रतिरोध के दूसरे सिरे से ज्वाइंट होता था, और समांतर क्रम में क्या होगा, प्रतिरोध के दोनों सिरे एक संयोजक तार से ज्वाइंट होते हैं। प्रतिरोध के दोनों सिरे एक संयोजक तार से यहाँ पर ज्वाइंट है, देखिएगा ये दोनों सिरे संयोजक तार से ज्वाइंट है, प्रतिरोध किसी प्रकार से आपस में ज्वाइंट नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए ओम का नियम हमारा क्या कहता था,
I इज इक्वल टू होता था बी बाई आर। अगर हमारा प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा कम होगी। तो उसी रूप से देख लेते हैं, पर I1 जो हमारा हो जाएगा वो B अपान R1 हो जाएगा, I2 जो हो जाएगा वो B अपान R2 हो जाएगा, और I3 जो हो जाएगा वो B अपान R3 हो जाएगा। अब हम इस पर पूरे परिपथ में यदि यह मान लें कि जो हमारा धारा है वो एक धारा बह रही हो, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो प्रतिरोध को हम संयोजक संयुक्त रूप से मान लें तो हमारा एक क्या निकल कर आएगा, देखिएगा, तो धारा I इज इक्वल टू हो जाएगा B अपान कैपिटल R हो जाएगा। अगर हम इसको मान लें कि इसमें विद्युत धुआंतर एक लगा है और धारा भी समान बह रही हो, समान धारा बह रही हो, तो हमारा B I इक्वल टू B बाई R निकल कर आएगा। इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं तो हमारा क्या निकल कर आ रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू हो जाएगा, B हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, B कॉमन ले रहे हैं, तो क्या निकल कर आया, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 हो जाएगा। यहाँ पर B कॉमन ले रहे हैं तो यही तो हो जाएगा। अब चूंकि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू हमारा I है और I बराबर B अपान R है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा B और 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये B जो है B से कट जाएगा, यहाँ पर B से B कट जाएगा। तो अब हमारा क्या निकल कर आया, देखिएगा, यहाँ पर अब हमारा जो निकल कर आया 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, जो हमारा तुल्य प्रतिरोध है वो ये हो जाएगा समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में सिंपल जोड़ होता था और समांतर क्रम में व्युत्क्रमों का जोड़ होगा। अब हमारा इस चैप्टर का जो है अंतिम टॉपिक था, अब हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा, जो विद्युत था उसके अलग अलग प्रभावों के बारे में, यानी कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इत्यादि के बारे में बात करेंगे। तो अब ऊर्जा के स्रोत क्या है, इस सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो हमने सारी चीजें क्लियर कर दी इस चैप्टर की। आपको जो बातें न समझ में आई हो तो आप कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, और मैं आपके सभी डाउट्स का सलूशन अवश्य दूंगा। बात करते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। तो हमारा जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल से संबंधित आपको जो समस्या आई हो उससे आप न्यूमेरिकल का फोटो ले हमें व्हाट्सएप पर भेजें, हम आपके न्यूमेरिकल का भी सलूशन देंगे। हम न्यूमेरिकल का वीडियो अभी नहीं बना पा रहे हैं, आने वाले समय में हम न्यूमेरिकल का वीडियो भी बनाएंगे और उसको एक प्लेलिस्ट बनाकर आप तक सूचना पहुंचाएंगे। न्यूमेरिकल के लिए बने रहिए अंश 5G अकेडमी के साथ, ताकि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम न्यूमेरिकल डालें तभी आपको उसकी सूचना मिल जाए, और चैनल को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आगे की वीडियो आप हमारे साथ ही देखते रहें। तो बने रहिए अंश 5G अकेडमी के साथ। धन्यवाद।